कल हमारा त्यौहार है ईद का, हम शांतिपूर्वक मनाना चाहते हैं, भाईचारा रखना चाहते हैं। हमारा कहना यह है कि हमारा त्यौहार है कल, हम अनुरोध करते हैं सरकार से कि गुड़गांव में कोई दंगा फसाद ना हो, इसलिए कल आपका ईद का त्यौहार है तो क्या कुछ कहना चाहोगे? कल हमारा त्यौहार है ईद का, हम शांतिपूर्वक मनाना चाहते हैं, भाईचारा रखना चाहते हैं, आपस में हिंदू मुस्लिम सब मिलकर मनाना चाहते हैं, यही हमारे क्या बोलते हैं सरकार से अनुरोध है, निवेदन है। देखिए तमाम लोग यहाँ पर स्थित हैं, मुस्लिम पक्ष के लोग हैं, ये कहना ये कह रहे हैं कि हम अपना जो त्यौहार है उसको भाईचारे से मनाना चाहते हैं। गुड़गांव प्रशासन से ये लोग गुहार लगा रहे हैं कि इनका जो त्यौहार है कल उसमें किसी प्रकार का कोई दंगा फसाद ना हो। तमाम लोग बाग हमारे साथ में स्थित हैं, सभी से पूछ लेते हैं। आप बताइए भाई साहब कल आपका त्यौहार? हमारा कहना ये है कि हमारा त्यौहार है कल, हम अनुरोध करते हैं सरकार से कि गुड़गांव में कोई दंगा फसाद ना हो, इसलिए हम अनुरोध करते हैं सरकार से कि हमारा साथ दें, हमारा त्यौहार अच्छी तरह निकले। क्या कोई भय का माहौल है, क्यों, क्या लग रहा है आपको? नहीं सर, वैसे जो त्यौहार है उसमें किसी प्रकार का वो हो सकता है? नहीं सर, हमारा कोई भय का त्यौहार नहीं है और ना कोई हमें धमकाया है ना डराया है, हम अपने मर्जी से बोल रहे हैं कि कोई मतलब दिक्कत ना हो, कोई कुछ भी ना आए। गुड़गांव में हमारा बहुत अच्छी तरह चल रहा है, भाईचारा बहुत बिल्कुल अच्छी तरह चल रहा है, गुड़गांव में हमारा कोई भी दिक्कत नहीं। वर्तमान हालात को देखते हुए आप सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि आपका जो त्यौहार है उसमें किसी प्रकार का कोई दंगा फसाद ना हो? जी जी, कोई दंगा फसाद ना हो सर, इसलिए हम बोल रहे हैं। देखिए जो वर्तमान में देश में जो हालात चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम पक्षों जिसमें हिंदू और मुस्लिम पक्षों को आपस में बढ़ाया जा रहा है, उसी सिटी वन में हमारे बाबूजी हैं, ये हमारे बाबूजी हम लोगों को साथ देते हैं, ये बाबूजी के भरोसे हम लोग यहाँ पे रहते हैं। देखिए सभी लोग बागों से पूछ लेते हैं, सबका ईद का त्यौहार है इनका, बाबूजी के लिए आप बताइए आपका कल ईद का त्यौहार है तो? सर हम लोग मिलजुल कर शांतिपूर्वक ईद का त्यौहार मनाना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं सब देश में। क्या किसी प्रकार का आपके दिमाग में भय लग रहा है? नहीं सर भाई, कुछ नहीं है, सब लोग मिलजुल कर हम लोग रहते हैं, मिलकर मनाना चाहते हैं। तो क्या गुड़गांव प्रशासन से क्या कुछ गुहार लगा रहे हो? गुड़गांव प्रशासन से यही निवेदन है कि सर हम लोग की सुरक्षा दे, कहीं नमाज हो रहा हो वहाँ मस्जिद मदरसे में थोड़ा अपने कोई दंगा फसाद ना हो, निगरानी करे, देखते रहे, ध्यान दे। चलिए आप बताइए, हमारा बताइए कल आपका त्यौहार है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारा कहना है सर सरकार से ये, जो कोई दंगा फसाद ना हो, जो सही सलामत हमारा नमाज अदा ये हो जाए, सही सलामत हम जैसे नमाज पढ़ के अपना घर आ सके, जैसे कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, बस यही है। फैमिली से अच्छी तरह त्यौहार मना सके, कोई दंगा फसाद ना हो सर। चलिए हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं। आप बताइए आपका त्यौहार है कल तो क्या कुछ कहना चाहोगे? कुछ नहीं सर, त्यौहार मनाना है बस। तो क्या कुछ? सरकार सभी के सुरक्षा के लिए वो सरकार बने हैं, सबके भलाई के लिए बने हैं, यही जानता हूँ, सबकी भलाई करेगी सरकार, लेकिन आम पब्लिक में धूक धूक ये वो बोलते हैं, लेकिन बाकी कुछ नहीं। और एक चीज़ है सर, हमारे बाबूजी है, दिखाइए इधर कैमरा, सॉरी सर इधर एक बार कैमरा दिखाइए, ये हमारे बाबूजी है, हम साउथ सिटी वन में ये बाबूजी की वजह से रहते हैं, ये बाबूजी हम लोगों का हर किसी के साथ देते हैं, ये बाबूजी हम लोगों को हर चीज़ के लिए मदद करता है, कोई बात पानी नहीं आता है पानी देता है, और भी कोई चीज़ नहीं आता है हर चीज़ देता है बाबूजी, कोई बात लॉकडाउन में इतना कुछ हो गया बाबूजी, चावल वावल जो भी होता है सब कुछ देता है, सब दिया बाबूजी। समाज से भी प्रवीण जी हमारे साथ में थे, प्रवीण जी कल इनका त्यौहार होने वाला है, क्या कुछ कहना चाहोगे? ऐसी भ्रांति फैलाई जा रही है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उससे लोग डरे हुए हैं, कल इनका ईद का त्यौहार है, उसमें किस तरह का कोई हादसा ना हो, कोई झगड़ा ना हो, ये बेचारे मजदूर लोग हैं, कोठियों में काम करते हैं, कोई रिक्शा चलाता है, कोई मजदूरी करता है, मैं नहीं चाहता कि इनके साथ किसी तरह की अनहोनी हो, मैं प्रशासन से सरकार से यही अपील करता हूँ कि इनके साथ किसी तरह की दुर्घटना ना हो, और इनका त्यौहार है, देखो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, ये हमारा नारा रहा हमेशा, और मैं नहीं चाहता किसी तरह की बात हो, कि कुछ लोग ना कुछ असामाजिक तत्व होते हैं तो भी जो भी बात गलत कह जाएंगे और कभी इसमें हमारा आपसी मतभेद ना हो जाए, उसी के लिए मैं चाहता हूँ कि प्रशासन इनका साथ दे। 7,000-10,000 होगा बंगाली सारी ये बाबूजी के ऊपर भरसा है, ये बाबूजी हर किसी का साथ देता है, ये बाबूजी हमारे बिल्कुल इनके ऊपर। देखिए ईद से पहले जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं, इनका कल त्यौहार है, इनके मन में कहीं ना कहीं कुछ भय बना हुआ है, इसको मद्देनजर रखते हुए गुड़गांव प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि कल जो इनका ईद का त्यौहार होने वाला है उसमें इन्हें सभी प्रकार की सुरक्षा मुहैया कराई जाए, किसी भी प्रकार का दंगा फसाद ना हो, कोई भी अनहोनी ना हो पाए, तो इसके लिए गुड़गांव प्रशासन से ये लोग गुहार लगा रहे हैं कि जो हमारा कल ईद का त्यौहार होने वाला है उसको शांतिपूर्ण हम लोग मनाना चाहते हैं। क्या कल जो ये लोग ईद मनाने वाले हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए गुड़गांव प्रशासन ने क्या कुछ तैयारी की है, क्या कुछ किसी प्रकार का कोई दंगा फसाद ना हो उसके लिए गुड़गांव प्रशासन कितना अलर्ट है, कृपया करके कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते रहिए सिटी न्यूज़ 24, कैमरामैन गौरव राठौर के साथ मैं वीरू फौजदार गुरुग्राम।